बीकानेर में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती का आज आखिरी दिन। सेना के 92 पदों पर भर्ती के लिए 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों युवक बीकानेर के स्वामी विवेकेश्वरानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल 2015 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान दौसा का रहने वाला किसान गजेंद्र सिंह कल्याणपत ने किसानों की मांगों को लेकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी पहली पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री पहुंचे थे। देश विदेश में तीरंदाजी से भरतपुर का नाम रोशन करने वाली तीरंदाज प्राची को प्रशासन की ओर से लाखों रुपए के उपकरण दिए गए और तीरंदाजी में पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रभारी सचिव आर वेंकटेश्वरन की मौजूदगी में जिला कलेक्टर रवि जैन ने प्राची को उपकरण सौंपे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2016 में इंडिया की टीम में राजस्थान की स्वाति दुधवाल ने अपनी जगह बनाई है। स्वाति दुधवाल ने सुबोध कॉलेज में पढ़ती है। ये चैंपियनशिप 1 से 5 जून को मंगोलिया में आयोजित होगी। टीम का सिलेक्शन पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत धौलपुर में तालाब के जीर्णोद्वार के लिए अधिकारियों ने श्रमदान किया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नंगला भगत गांव में बन रहे तालाब के लिए श्रमदान किया। बीकानेर के सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में वन रक्षक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई, दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद और उनकी शारीरिक दक्षता की जांच की गई। पहले दिन कुल 72 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच हुई। अलवर में जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार शिविर लगाया गया। इसके 21 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। इन्होंने निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लिए। रोजगार मिलने पर कई बेरोजगार खुश नजर आए। बीकानेर रेल मंडल को 10 दक्षता शील्ड से नवाजा गया। ये शील्ड साल 2015-16 में बीकानेर मंडल के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर दी गई। इसके अलावा 4 अधिकारियों और 22 कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। सस्पेंस थ्रिलर लव स्टोरी से भरपूर फिल्म खेल तो अब शुरू होगा कि स्टार कास्ट अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची। फिल्म के डायरेक्टर कुणाल सिंह, अभिनेता रोहित पाठक, अभिनेत्री देवश्री खंडूरी पूरी टीम के साथ जयपुर पहुंचे। फिल्म में दर्शकों को बहुत से रंग देखने को मिले। अर्थ डे के मौके पर उदयपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित हुए सेमिनार में भू विज्ञान से जुड़े प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव पर चर्चा की। हनुमान जयंती की संध्या पर खेतड़ी के हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। खबरें राष्ट्रीय स्तर की। मोदी सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों की 6 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। जिन 6 लोगों को सरकार ने राज्यसभा भेजा है उनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरीकॉम, सीनियर पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव के नाम है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील रखी कि अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, इसलिए इस पर स्टे दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। ईशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुमशुदा फाइलों की पड़ताल कर रहे 1 सदस्यीय जांच पैनल को केंद्रीय मंत्रालय ने काम तेजी से पूरा करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महेश्वरी ने गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी प्रसाद को साफ कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है और सरकार को मामले में विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। जंतर मंतर पर बैठे श्रीनगर एनआईटी के छात्रों को कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही। वहीं धरना दे रहे छात्रों से अब तक मोदी के एक भी मंत्री के न पहुंचने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस ने यह भी साफ नहीं किया कि क्या सोनिया और राहुल छात्रों से मिलने जाएंगे। विदेशी निवेश के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। पहली बार भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। 2015 में भारत में 63 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ, जबकि इस मामले में अमेरिका दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर रहा। विदेशी निवेश की वजह से 2015 में भारत में 2.25 लाख लोगों को नौकरी मिली। उद्योगपति विजय माल्या की भारत वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय कानून के जानकारों से सलाह ले रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा था। भारत ने 13 मार्च को न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण कर लिया। टीओपी सीक्रेट कार्यक्रम के तहत तैयार की गई K4 मिसाइल को भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया गया। K4 का नाम भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है।
टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के अब भी आम्रपाली ग्रुप की ही एक दूसरी कंपनी से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में साक्षी की 25% की पार्टनरशिप है। वहीं आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि साक्षी की हिस्सेदारी वाली कंपनी ने बिजनेस नहीं किया और इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा।